हेलो एवरीवन आई एम गरिमा एंड वेलकम टू द क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेवेंथ क्लास का सिक्स चैप्टर द ब्राउनिंग वर्जन बाय टेरेंस रेटिंग ये जो टेरेंस थे ये बहुत ही फेमस ब्रिटेन के ड्रामेटिस्ट थे और उन्हीं का ये जो स्टोरी है वो उन्हीं के ड्रामा से लिया गया छोटा सा सीन और उस सीन का ये छोटा सा स्क्रिप्ट है तो ये जो स्टोरी है वो एक छोटा सा बच्चा है इसमें चार ही कैरेक्टर हैं पहला मिस्टर क्रॉकर हैरिस दूसरा फ्रैंक और तीसरा टैम्पलो और चौथा उनकी क्रॉकर हैरस की जो वाइफ है मिली हैरस मिसेस मिली हैरस वो क्रॉकर हैरस उन्हीं पे ये पूरा स्क्रिप्ट लिखा गया है बट उनका कोई रोल नहीं है वो यहाँ पे कहीं भी नजर नहीं आएंगे लेकिन जो जितनी भी बात इस स्क्रिप्ट में हो रही है वो उन्हीं के बारे में हो रही है तो स्टार्ट करते हैं ये जो चैप्टर ये जो स्क्रिप्ट है है वो स्टार्ट होती है कि उनके जो टीचर थे फ्रैंक वो बहुत यंग थे लेकिन जो क्रॉकर हैरिस थे वो थोड़े ओल्ड थे मतलब एज थे उनकी तो उन वो बहुत स्ट्रिक्ट थे और हर जगह हर स्कूल में होता है कि एक जो टीचर होता है वो स्ट्रिक्ट होता ही होता है लेकिन जो फ्रैंक थे वो थोड़े यंग टीचर थे और वो साइंस के टीचर थे क्रॉकर हैरिस क्या थे कि वो बच्चों को ना बहुत स्ट्रिक्ट लिट्रेट करते थे और हर स्कूल में होता है कि एक टीचर ऐसा होता है कि बहुत स्ट्रिक्ट होता है जिससे बच्चे बहुत डरते भी हैं चाहे वो सीनियर क्लास के हों चाहे वो जूनियर क्लासेस के बच्चे हों एक टीचर से बहुत ज्यादा डरते हैं वो तो क्या था कि जो टैपलो था वो भी कुछ ऐसा ही था और जो क्रॉकर हैरिस थे उनका बच्चों के साथ कुछ ऐसा ही कनेक्शन था बच्चों से वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली बिहेव करते थे जिसके कारण जो टेप्लो थे वो बहुत डरता था उनसे जो क्रॉकर हैरस थे उनसे और उनके बारे में ना बच्चे हमेशा सोचते थे कि ये टीचर ऐसे हैं ये टीचर वैसे हैं मतलब लेकिन वो बुरा किसी को नहीं बोलते थे फिर भी वो बहुत स्ट्रिक्ट थे इसीलिए बच्चे उनसे थोड़ा सा अलग उनके बारे में थोड़ी अलग थिंकिंग रखते थे तो एक साइंस के जो टीचर थे फ्रेंक वो आते हैं टेप्लो के पास में टेप्लो क्या था कि वहां पे उस टाइम पे वो जो स्क्रिप्ट थी जो उन्होंने हैरिस ने दी थी उनको क्रॉकर हैरिस ने दी थी वो उसको पढ़ रहा तो फ्रैंक आते हैं और उनका कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है यहाँ से कि वो पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ तो वो फिर वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम टैपलो है और मैं यहाँ पे ये स्क्रिप्ट ये जो ड्रामा है वो क्रॉकर हैरिस ने मुझे दिया है ये मैं पढ़ रहा हूँ ये मैं तैयार कर रहा मतलब उस टाइप से वो बताता है तो वो क्या था फ्रैंक जो थे वो बहुत ही पोलाइटली बच्चों से बात करते थे और बच्चे उनको पसंद भी करते थे क्योंकि वो यंग एज के थे तो वो बच्चों की फीलिंग्स भी समझते थे और बच्चे भी उनको समझते थे और सेटिस्फाइड भी रहते थे दोनों दोनों अपनी बातों से तो क्या हुआ कि थोड़ी आगे बढ़ते हैं और फिर जो फ्रैंक थे वो पूछते हैं कि अच्छा तुम्हारा भी प्रमोशन नहीं हुआ तो कहते हैं कि नहीं क्रॉकर हैरिस uh, के स्ट्रिक्टली ये रूल्स हैं कि लास्ट डे पे ही वो मुझे प्रोमोट करेंगे और मुझे नहीं पता कि वो मुझे प्रमोट करेंगे भी या नहीं करेंगे क्या मैं यहीं रह जाऊंगा या फिर वो मुझे प्रमोट भी करेंगे तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा वो तुम्हें जरूर प्रमोट करेंगे तो वो कहते हैं कि मैं कुछ दिन मैं कुछ दिनों से वैसे भी स्कूल नहीं आ रहा था और मेरी जो प्रीवियस क्लासेस है वो बहुत दिन से मतलब मिस हो चुकी है इसीलिए मैं यहाँ बैठ के पढ़ रहा हूँ मतलब वो पूछते हैं कि तुम्हें घर नहीं जाना मतलब सारे बच्चे जा चुके हैं और तुम अकेले यहाँ पे बैठे हुए हो और उस दिन लास्ट डे था तो इसीलिए वो वहां पे बैठ करके सारी चीजें कर रहा था कि कहीं उसको ये डर था टेपलो को कि कहीं अगर मैं यहाँ से चला गया तो जो हैरिस थे जो क्रॉकर हैरिस थे कहीं वो उसे वहीं पे ना मतलब उसको प्रमोट ही ना करें जैसे यहाँ पे ये या तो नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, कहीं वो, उसको करेंगे, या नहीं करेंगे। क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे और उनके माइंड की कुछ पता नहीं थी वो अपने माइंड से ही सारी चीजें करते थे तो फ्रैंक कहते हैं कि नहीं वो ऐसे नहीं है और वो तुम्हें जरूर प्रमोट करेंगे अगर तुम अच्छे हो तो वो बताता है कि हाँ ठीक है वो मुझे कर देंगे प्रमोट लेकिन मैं ऐसा अपने माइंड में सोच रहा हूँ अगर मैं से चला गया तो क्या होगा फिर क्या होता है कि वो उससे पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि अगर तुम्हें उन्होंने प्रमोट कर दिया यहाँ से तुम्हारा प्रमोशन हुआ तो तुम आगे क्या सब्जेक्ट चूज करोगे क्या लेना पसंद करोगे तो वो बहुत ही खुश हो जो टैपलो था वो बहुत ही खुश होके बोलता है कि मैं तो साइंस

अब वो हमारे सीनियर टीचर हैं और उन्होंने दिए तो ये मुझे पढ़नी पड़ेगी बट मुझे ये पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है और सबसे बड़ी बात इसको पढ़ते पढ़ते अगर कोई लाइन मुझसे मिस होती है या फिर मैं भूल जाता हूँ तो प्रीवियस जितनी भी लाइन है वो फिफ्टी लाइन है फिर मुझे दोबारा से वो पढ़नी पड़ेंगी तो ये जो चीज है एटलीस्ट इससे तो इंटरेस्टिंग होगी ना साइंस तो फ्रेंक कहते हैं कि हाँ ये तो है वो टैपलो की बात से एग्री कर जाते हैं कि हाँ ये बात तुम सही कह रहे हो फिर क्या होता है दोनों टेप्लो और जो फ्रेंक थे जो कि साइंस टीचर थे वो दोनों इतनी अपनी बातों में इतने अपने कन्वर्सेशन में खो जाते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से वो दोनों बातें कर रहे थे और जैसे ही फिर क्या कहता है वो जो टेप्लो था बहुत ही ज्यादा फ्रेंक हो गया था उनके साथ और वो फ्रेंक से बोलता है कि अच्छा मैं बताऊ जो हैरिस थे क्रॉकर हैरिस वो कैसे बोलते हैं तो फिर वो कहता है चलिए ठीक है बताइए तो जो थे वो बैठे हुए थे और वो उनकी एक्टिंग कर रहे प्रमोशन है वो तुम्हारी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग होगा जो तुम्हारी परफॉर्मेंस है वो देखी जाएगी कि तुम्हें आगे जाना है तुम्हें प्रमोट करना है या नहीं करना है तुम्हें यहीं पे रोकना है

वो मुझे पता है कि जो जो टीचर्स हैं वो शो करते हैं वो करते और डांटते भी हैं और उनको हमें बुरा बोलकर खुशी भी होती है मतलब हमें साइड फील कराकर और टीचर्स को खुशी होती है बट जो हैरिस हैं जो प्रोकर हैरिस हैं वो ऐसे नहीं है वो बिल्कुल सैडेस्ट नहीं है वो पता नहीं क्यों चाहते हैं कि बच्चे उनको लाइक ना करें मतलब बच्चे उनको पसंद ना करें पर वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि वो बच्चों को दुख देके बच्चों को परेशान करके वो खुश होते हैं बाकी और टीचर्स हैं मैं उनका नाम नहीं लूंगा बट जो क्रॉकर एरिस हैं वो वो ऐसे नहीं है है तो तो उनके बारे में ऐसा बोलता है। फिर कहता है कि आप तो बहुत अच्छे हो मतलब उनको भी मस्का लगाता है वो जो फ्रेंक थे उनको भी मस्का लगा के बोलता है नहीं आप तो ऐसे नहीं हो आप भी तो इतने अच्छे से बात करते हो ऐसे ही और भी टीचर्स हैं बट जो क्रॉकर एरिस हैं वो चाहते हैं कि उनसे जो बच्चे हैं वो डरे

उनकी जो वाइफ थी मिसेस मिली हैरिस वो आ जाती है अचानक से तो वो वहां पे उनको देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कहता है मतलब अपने मन में वो बात सोच रहा होता है कि इन्होंने सारी बातें सुन ली होंगी तो ये अपने हस्बैंड को मतलब उनकी वाइफ थी कि अपने हस्बैंड को बता देंगी और ये मुझे प्रमोट नहीं होने देंगे और जो मिस्टर हैरिस हैं वो तो मुझसे वैसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और वो मुझे आगे प्रमोट ही नहीं करेंगे मतलब मुझे रिमूव ही नहीं करेंगे वो ये सारी चीजें सोच रहा था तो वो वो फ्रैंक को कहता है कहीं इन्होंने कुछ सुना तो नहीं अगर इन्होंने सुन लिया होगा तो जो क्रॉकर हैरिस हैं वो तो मुझे बहुत डांटेंगे बहुत ज्यादा डांट पड़ने वाली है अब तो मेरे को क्योंकि मैं उनकी एक्टिंग कर रहा था बट क्या हुआ कि उन्होंने कुछ भी नहीं सुना था जो फ्रैंक थे वो कहने लगे कि नहीं इन्होंने कुछ भी नहीं सुना है और तुम इतना परेशान मत हो तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है जो तो मिली अंदर आती हैं वो एंटर करती हैं और वो बोलती हैं कि तुम अभी तक यही हो तुम यहाँ से गए मतलब बहुत टाइम हो गया और अभी अगर तुम तो फिर वो बताता है टेपलो बोलता है कि मैं मिस्टर हैरिस का वेट कर रहा हूँ वो जब आएंगे तब मैं अपने जो काम है जो वो रीड कर रहा था जो वो लर्न कर रहा था वो उसको सुनाऊंगा उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगा तो वो जो फ्रेंक थे वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे इतनी देर तक रुके क्यों तो वो बताता है उनको कि मैं पिछले एक मतलब एक हफ्ते से पिछले एक हफ्ते से मैं स्कूल नहीं आ रहा था तो जो मेरा पेंडिंग वर्क रह गया है मैं उसको चाहता हूँ वो मेरा आज ही कंप्लीट हो जाए ताकि मैं मे, मेरे को इस बात से खुश होके जो क्रॉकर हैरिस है प्रमोट कर दे तो वो इसीलिए वहाँ रुका हुआ था देर तक फिर क्या हुआ कि जो मिली है वो कहती है कि नहीं तुम चले जाओ और हैरिस को आने में बहुत टाइम लगेगा और वो अपना अपने काम में बिजी है तो वो कहता है कि नहीं नहीं मतलब बहुत ज्यादा डरा हुआ था बेचारा जो था और वो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा अगर क्रोकर हायरस को ये बात पता चलेगी तो वो मुझे बहुत डांटेंगे और हो सकता है वो मुझे आगे प्रमोट भी ना करें तो, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है तुम तो चले जाओ अगर कोई बात होती है तो जो तुम्हारी डांट है वो मैं अपने ऊपर ले लूंगी और मैं बोल दूंगी कि मैंने भेजा तो वो फिर भी एग्री नहीं करता इस बात से कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा क्यों और आप ऐसे मत बोलिए मैं नहीं जाऊँगा मेरे को बहुत ज्यादा डांट पड़ने वाली है अगर मैं उनको बिना बताए यहाँ से चला गया तो।, तो फिर वो कहती है कि अच्छा ठीक है तुम एक काम करो ये जो मेडिसिन है वो प्रॉपर हैरिस की ही है ये जाके तुम कैमिस्ट से ले आओ और उनका काम भी कराना और फिर तुम यहाँ से चले भी जाना तो अगर तुम उनके काम करने के लिए जाओगे तो वो तुमसे कुछ नहीं कहेंगे इस बात के लिए वो एग्री कर जाता है वो उनका जो मेडिसिन का जो पेपर था उसको लेकर के जाता है और वो केमिस्ट की शॉप पे वहाँ से वो दवाइयाँ लेता है उसके बाद वो अपने घर चला जाता है ये जो स्टोरी है ये जो स्क्रिप्ट है वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है और उसमें यही बताती है मिली कि वो जहाँ से चला गया था लेकिन हैरिस वहां जो क्रॉकर हैरिस थे उनका इस पूरे स्क्रिप्ट में उन्हीं की बात हुई है बट वो उनका यहाँ पे कोई रोल नहीं था यहाँ पे उनको बिल्कुल दिखाया नहीं गया कि उन्होंने कुछ किया नहीं किया नहीं ये जो स्क्रिप्ट छोटा सा था वो सिर्फ इसी का था कि जो टेपलो था अब बच्चों की अलग अलग टीचर्स के को देख करके उनकी थिंकिंग क्या रहती है वो चीज इस चैप्टर में बताई गई है इस, इस स्क्रिप्ट में बताई गई है बेसिकली कि जो बच्चे हैं वो किस तरह से किस टीचर को किस किस, चीज के अकॉर्डिंग उनको उस तरह से ट्रीट करते हैं तो जो टेपलो की टेपलो की जो थिंकिंग थी वो फ्रैंक जो टीचर थे उनके साइंस उनके थ्रू कैसी थी और जो क्रॉकर हैरिस थे उनके लिए कैसी थी तो जो वो टेपलो था वो क्रॉकर हैरिस से बहुत ज्यादा डरता था लेकिन से उन्होंने उनको सारी चीजें बताई भी कि वो यहाँ क्यों रुका हुआ है और उन उनके साथ जितना भी कन्वर्सेशन उसने किया वो सारी चीजें और ये जो है वो यहीं पे खत्म हो जाता है और अगर आपको अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप शिपसर क्लासेस के एप्लीकेशन पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और शिप्सर क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी थैंक यू